कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम कोटि कोटि देव गौ अंग मंगलम। जब कड़ाके की इतनी सर्दी हो, सूरज जब निकल भी जाता है और तो भी हमारे को इतनी ज्यादा अधिक बर्फ देखने को मिलती है, यानी कि 9 से 10 बजे के करीब जब सूरज निकल जाता है और तो भी राजस्थान के अंदर इतनी ज़्यादा हमारे को बर्फ़ देखने को मिलती है, इससे हम यह आइडिया अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी अधिक ठंड यानी कि कोहरा पड़ रहा है। राजस्थान की ऐसी धरती है, यहाँ पर इस समय में बहुत अधिक सर्दी महसूस की जा सकती है और जब जून से जुलाई का महीना आता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस देखने को मिलती है अपने को। तो कितनी बर्फ़ गिरी है ये आप खुद देख सकते हैं। तो उससे पहले सभी दोस्तों को, मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं रावजी डेयरी फार्म और मैं गौरी शंकर। तो इतनी सर्दी होने के बावजूद भी जो देसी गोवंश है वो अपना जो अनुकूलन है, इतनी सर्दी के अंदर हो या फिर इतनी गर्मी के अंदर हो, तो अपने शरीर का जो टेम्परेचर है वो इसके अंदर अनुकूल बनाए रखती है और जो दूध की क्षमता है वो इसके अंदर सही बनाए रखती है, क्योंकि इतनी सर्दी अधिक होने के कारण भी यह दूध कम नहीं करती है। तो इस पर दूसरी गाय की अगर बजाय अगर हम देखें तो इस पर असर तो पड़ता है, पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि वो दूध बिल्कुल ही सूख जाए। तो आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार सी गाय की वीडियो लेके आए हैं। तो जो भी भाई आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन दिया गया उसको जरूर क्लिक करें, जिससे कि जो आपके अपने आने वाले चैनल पर जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप अपने चैनल की जो वीडियो वो देख सकें। बहुत ही शानदार सी गाय है, मिल्किंग वाली वीडियो है तो थोड़ी लंबी रहेगी, पर कंटिन्यू जरूर देखें जिससे कि आपको इस गाय के बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी मिल सके। इसके पीछे मेल काफ यानी कि बछड़ा इसके पीछे, और यह सीमन का जो रिजल्ट है, जब अपने अच्छा सीमन यूज़ करते हैं तब यह रिजल्ट अपने को देखने को मिलता है और बेटर रिजल्ट मिलता है अपने को। जब अच्छे दूध वाली गाय हो, फिर चाहे वो बछड़े वाली हो चाहे बछड़ी वाली हो, दोनों ही बहुत ही बढ़िया रहती है। अगर अच्छे दूध वाली गाय है तो जो बछड़ा है उसके पीछे, तो वो उसको अपने हम ब्रीडिंग पर्पज से काम में ला सकते हैं, और जो अगर उसके पीछे बछड़ी है तो अपने जो ब्रीडिंग के काम से उसको भी हम ला सकते हैं। जो दूध की क्षमता वाली बढ़िया होनी चाहिए गाय, तो जिससे अपने हर काम में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो आज हम आपको जो मिल्किंग की वीडियो है, तो खाली बाल्टी जैसे कि आप देख सकते हैं, खाली बाल्टी आप देख लीजिए, जो थनों की धार कैसी है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये पहले थन की आप धार देख रहे हो, गोल मोटी धार है, शर्रा इत्यादि बिल्कुल भी नहीं है। और ये दूसरे थन की आप धार देख सकते हो, मुठिया थन है यानी कि मुठ्ठी का थन है, शानदार धार के साथ में अडर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। ये तीसरे थन की आपने धार देखी, और ये चौथे थन की धार आप देख रहे हो, तो बहुत ही बढ़िया चारों थनों की धार गोल मोटी धार है। तो वीडियो जो स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक जरूर देखें, जब मिल्किंग की गाय की वीडियो लेके आते हैं तो उस वीडियो को आप पूरी जरूर देखा करें, जिससे कि आपको गाय के बारे में पूर्ण रूप से पूरी जानकारी मिल सके। अगर हम गाय की डिटेल के बारे में बात करें तो अभी क्या है कि मिल्किंग की वीडियो थोड़ी है जो लंबी बन जाती है, सो फास्ट कर दी गई है। गाय ने अभी दूसरी बार बच्चा दिया है और आज इसकी डिलीवरी को आज तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन का समय गाय की डिलीवरी को आज हो चुका है। तो सेकेंड टाइम में बच्चा देने के बावजूद बहुत ही शानदार सी गाय, बहुत ही बढ़िया अच्छे हम्प साइज के साथ में, जो गलकम्बल है वो आप देख सकते हैं कितना शानदार और कितना मखमली गलकम्बल है। नाभि का जो साइज है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो जो भी भाई खरीदना चाहते हैं, इसके बारे में अगर और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबरों पे कॉल करके व्हाट्सअप मैसेज करके आप इस गाय के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं और खरीद सकते हैं। गाय के नीचे अभी लगभग 11 से 12 लीटर के बीच में दूध बिल्कुल तैयार है, और इसकी अगर दूध देने की क्षमता के बारे में बात करें तो 14 से 15 लीटर तक ये दूध देने की क्षमता रखने वाली गाय है। अगर अपने अच्छी परवरिश की जाए तो अच्छी तरह से अपने अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं। अगर अच्छी परवरिश अपने नहीं कर पाते हैं तो ये जो हम दूध बता रहे हैं, यानी कि अगर इसको कुछ खाने के लिए भी नहीं डाला जाएगा, सूखा भूसा या तूड़ी डाल दी जाए, तो फिर ये जो हम बता रहे हैं दूध ये भी नहीं दे पाएगी। जो भी हम दूध बताते हैं या दूध निकाला जाता है, तो दूध अपने, जैसे एक सिंपल भाषा में बोला जाता है कि दूध होता है जो ठान यानी कि खुरली में होता है, जैसा ही अपने डालते हैं तो वैसा अपने दूध निकाल लेते हैं। तो बहुत ही शानदार सी गाय होनी चाहिए, गाय बढ़िया हो तो उसकी बढ़िया अगर अच्छी डाइट दी जाए, अच्छी संभाल की जाए, तो उससे आप अपने अच्छा दूध प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मिल्किंग की वीडियो चल रही है कंप्लीट, गाय के द्वारा पैर उठाना या लात मारना करना वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अगर इसकी डिटेल और अधिक बात की जाए तो गाय ने अभी जैसे कि दूसरी बार बच्चा दिया है, अभी इसके नीचे 11 से 12 लीटर के बीच में दूध बिल्कुल तैयार है,
और इसकी दूध देने की क्षमता 14 के प्लस की है। जब अच्छी संभाल की जाए दूध इतना दूध बढ़िया और आराम से दे सकती है। अगर इसकी हम कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 45,000 रुपये के अंदाज़ गाय सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। जो भाई खरीदना चाहते हैं कॉल एंड व्हाट्सएप मैसेज करके आप खरीद सकते हैं। कितना दूध दिया है तो आखिर तक आप वीडियो देखें और आपको पूरी गाय की मिल्किंग के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बहुत ही शानदार सी गाय। अगर हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट सुविधा की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सुविधा भी हमारे यहाँ से बिल्कुल अवेलेबल है। एक गाय लीजिए, दो गाय लीजिए, जितनी भी आप गाय बोलोगे मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय गो माता।